गाइस, आई एम वेलकम बैक। मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं डेवलप माइंड यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिजनेस स्टार्टअप कैसे करते हैं। उससे पहले आपको एक और बात बता दें कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं, किस लेवल तक ले जाने वाले हैं और किस लेवल पे वो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करने से पहले आपको बिजनेस के बारे में प्लानिंग करना होता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और किस लेवल तक करना चाहते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। आपको यह भी देखना होगा कि जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है, चाहे आप कोई दुकान कर रहे हों या कोई बिजनेस कर रहे हों। अगर आप कोई छोटा सा दुकान करना चाहते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम ही इन्वेस्टमेंट में आप वो बिजनेस वो दुकान खोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में आपके अलावा इम्प्लॉई की भी ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, क्योंकि इसमें जो भी इम्प्लॉई वर्क करेंगे आपको उसे तो सैलरी देना ही होगा। रही बात इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट भी आप दो तरह के कर सकते हैं। पहला कि आप कोई बिजनेस कर रहे हों तो उसमें एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करें, और एक होता है कि धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें भी आपको देखना होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर एक बार करेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट दिखेगा, इसमें आप प्रॉफिट को एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन जिसमें बार बार थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसमें प्रॉफिट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर बिजनेस कोई भी हो, अगर इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं तो एक बार ही मोटी रकम में इन्वेस्ट करें तो अच्छा होगा। अगर एक बार पैसा आपके पास नहीं होता है, अगर धीरे धीरे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मैं सबसे ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिजनेस करने के बाद अक्सर लोग प्रॉफिट पर ही ध्यान देते हैं। ऐसा हर कोई कहता है, चाहे मैं हूँ या और कोई, हर आदमी प्रॉफिट पे नज़र डालता है, प्रॉफिट को एनालाइज करता है कि जो बिजनेस हम किए हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। बिजनेस करने के बाद हमें धीरज रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आज तक किसी भी बिजनेस मैन को तुरंत कामयाबी नहीं मिली है। बहुत मेहनत करने के बाद ही हर बिजनेसमैन को कामयाबी मिली है। हमें सिर्फ मेहनत करना है और कस्टमर के बिहेव अच्छा करना है, और वो भी ईमानदारी के साथ। ऐसा करने से जो भी कस्टमर एक बार आपके पास आएगा वो फिर कहीं जाने वाला नहीं है, वो फिर दोबारा आप ही के पास आएगा कि आपके वो बातों के अट्रैक्ट हो गया होगा। इसलिए कस्टमर से कभी भी अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे बिहेव करना चाहिए, और कुछ भी हो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ईमानदारी के साथ रहेंगे तो बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। जो कस्टमर आ गया वो कस्टमर आपका ही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आने वाली वीडियो में आपको कौन सी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करके बता दें। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी दोस्ती अधूरी है।